अयोध्या में श्री रामलला मंदिर के निर्माण का उत्साह रीवा के सनातन धर्म प्रेमियों में देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि में विराजमान होने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक प्रांतों में अक्षत कलश भेजा है। रीवा में भी अयोध्या से अक्षत कलश पहुंचा है। राम भक्तों में अक्षत कलश रीवा पहुंचने पर उत्साह का माहौल है। जिले के सनातन धर्म प्रेमी राम भक्त घर घर अक्षत वितरण कर लोगों को आमंत्रित करने का संकल्प ले रहे हैं और घर घर जाकर अयोध्या का आमंत्रण दे रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर आमंत्रण अक्षत कलश रीवा पहुंचने के बाद रीवा के सभी मंदिरों में जा रहा है। पिछले दिनों अक्षत कलश के साथ सैकड़ों राम भक्त शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोठी कंपाउंड भगवान शिव के मंदिर तक गए। उसके बाद 12 दिसंबर को अयोध्या का आमंत्रण अक्षत कलश पड़रा गांव पहुंचा और पड़रा गांव में अमरनाथ मंदिर में भी दिव्य आरती पूजन कर गांव के लोगों से आग्रह किया जा रहा गया है कि वह भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए अयोध्या जाने के लिए तैयार रहें। राम भक्त बालकृष्ण द्विवेदी बताते हैं कि 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि विवाद का सुप्रीम कोर्ट द्वारा निराकरण किए जाने के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यह देशवासियों के लिए दूसरी दिवाली के समान है। रीवा के सनातन धर्म परिवार के द्वारा इस मौके पर 11 लाख दीपक जलाने का निर्णय भी लिया गया है। हम लोगों का यह प्रयास है कि कोई भी घर ऐसा ना छूटे जहां हम अक्षत भेंट कर श्री रामलला के दरबार में पहुंचने का निमंत्रण न दे पाएं।